बिहार में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यहाँ अक्सर सरकारी स्कूलों में अव्यवस्था का मामला सामने आता रहता है। कई जगह प्रधानाध्यापक को बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं पता होता है। वहाँ टीचर लालू यादव को मुख्यमंत्री और सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बता देते हैं। वहीं एक और अजब तरह का मामला यहाँ सामने आया है। जिस तरह ग्राम प्रधान का पति प्रधानमंत्री बनकर कामकाज देखता है, कुछ उसी तरीके से एक ही स्कूल की प्रधानाध्यापिका की जगह उनका पति स्कूल चला रहा है। प्रधानाध्यापिका मैडम ने पति स्कूल में मिड डे मील से लेकर स्कूल के रजिस्टर ऑफिस की देखरेख करते हैं और मैडम घर पर रहती हैं। बता दें कि शिवपुर जिला कटिहार आजमनगर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय महिला टीचर तैनात है, लेकिन यहाँ स्कूल उनके पति चलाते हैं। इस बारे में मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जहाँ भी लिखें, जो भी प्रिंट करना चाहते हैं करें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि कटिहार जिला बिहार के उप मुख्यमंत्री तारा किशोर का गृह जिला है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है और जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।